हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ एमआई का रेडमी 5। लेकिन इसको देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटा बना हुआ है उसे दबा दें, जिससे कि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो आइए मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। ये सामने से देखने में कुछ इसका बॉक्स ऐसा है, रेड कलर का बॉक्स दिया है एमआई ने, साइड में रेडमी 5 लिखा हुआ है, ये पीछे में इधर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है डिवाइस के बारे में, और इस साइड भी आपको Redmi 5 का मिल जाता है लोगो। चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये अनबॉक्स करने के बाद सामने से कुछ ऐसा दिखता है। ये ऊपर में आपको मिल जाता है ये इस मोबाइल का कवर। MI आजकल हर मोबाइल के साथ में ये कवर देता है, अच्छी बात है। ये कवर मिल जाता है, अलग से पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं, और ये कवर भी अच्छा क्वालिटी का देता है। ये सिलिकॉन का कवर है, सॉफ्ट कवर है, और कंपेटिबल भी है मोबाइल के लिए बहुत अच्छे तरीके से। और ये आपको डिवाइस मिल जाता है, इसको अभी एक बार साइड में रखते हैं। इसके बाद आपको मिलता है मैनुअल्स। तो ये मैनुअल कुछ खास कोई काम का नहीं है, इसमें आपको मोबाइल डिवाइस के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये आपका वारंटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बस, और इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं। और इस बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है ये माइक्रो USB चार्जर मिल जाता है। इस वायर का लेंथ है नियर अबाउट 1 मीटर के, 1 मीटर लेंथ होगा इसका। और ये अडेप्टर मिल जाता है, होप्सो कि ये अडेप्टर फास्ट चार्जिंग का हो। ये मिल जाता है आपको 5V 2A का अडेप्टर मिल जाता है। और इसके अंदर मिल जाता है सिम इजेक्टिंग टूल्स बस, और तो बॉक्स में कुछ मिलता नहीं है। तो आइए मेन डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है, ग्लॉसी लुक दिया हुआ है इसका। नीचे की तरफ माइक्रोफोन दिया हुआ है, एक तरफ स्पीकर दिया हुआ है, और सेंटर में दिया हुआ है माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट। और पीछे से देखने में एक ग्लॉसी लुक है अच्छा। ऊपर की तरफ में दिया हुआ है हेडफोन जैक, और एक दिया हुआ है नॉइस कैंसिलेशन, और इंफ्रारेड दिया हुआ है। और इस तरफ है सिम इजेक्ट करने का, सिम लगा सकते हैं इधर आप। और इधर की तरफ है वॉल्यूम का, अप डाउन का बटन, और ऑन ऑफ करने का बटन दिया हुआ है बस। ये डिवाइस देखने में कुछ ऐसा है, ग्लॉसी लुक दिया हुआ है, प्रीमियम लुक है। और जब तक इसको सेटअप करते हैं आइए इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में देखते हैं। इसमें स्क्रीन देखें तो 5.7 इंच का स्क्रीन मिल जाता है, और एस्पेक्ट रेशियो देखें 18:9 का, और रेजोल्यूशन मिल जाता है 720x1440p का। IPS LCD टच स्क्रीन मिल जाता है विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो एंड्रॉयड का 7.1.2 नोगट मिलता है, और प्रोसेसर ऑक्टा कोर का 1.8 GHz विद स्नैपड्रैगन 450, और रेयर कैमरा देखे 12 MP का है विद अपर्चर ऑफ F2.2। फ्रंट कैमरा मिलता है 5 MP का। हाइब्रिड सिम मिलता है, या तो आप 2 सिम लगा सकते हैं, या 1 सिम या 1 मेमोरी कार्ड। और स्टोरेज मिलता है 2 GB के साथ 16 GB का, और 3 GB 4 GB रैम के साथ मिलता है आपको 32 GB का स्टोरेज। तो ये मैंने इसको फटाफट से सेटअप कर लिया है। तो ये सामने से स्क्रीन दिखने में कुछ ऐसा है, ऊपर से स्लाइड करें तो ये नॉर्मल पुराने जैसा ही है। अबाउट फ़ोन के सेक्शन में जाके देखते हैं, इधर आपको एंड्रॉयड वर्ज़न का दिख जाता है, MIUI वर्ज़न मिलता है एंड्रॉयड का, ये नोगट मिल जाता है आपको इसमें। और इसको बैक करते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट दिखा रहा है, और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट तो अभी हम बाद में कर लेंगे, आइए बाकी फ़ोन को देखते हैं। ये स्क्रीन भी ठीक है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है इसमें, और स्लाइड करने पे साइड से ऐसा है, नीचे से नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, ऊपर से आपको ये सब मिल जाएगा सेटिंग का। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही, होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यार अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार नीचे लाल बटन दिया हुआ उसे सब्सक्राइब कर लो। और आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।